अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका चौधरी मुलाकात मीर मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मानसरा के नवाही इलाके जीए मेरा के मुकाम पर मौजूद हूँ। जो दो रोज कबल यहाँ पे एक दर्दनाक वाकया यहाँ पे पेश आया, फैसल नामी शख्स जो पिंडी गया हुआ था और वहाँ पे जो है हादसे की नजर और वहाँ पे जो है जालमों ने गोली मारकर उसको शहीद कर दिया। लोकीन की तरफ से ये बताया जाता है कि हमें इतला दी गई कि वो हमारा भाई फैसल बहतर मोड़ टैक्सला के मकाम पर जो है एक सिक्योरिटी गार्ड जो निजी कंपनी है उन्होंने गोली मारकर और शहीद कर दिया। हम वहाँ पे पहुंचे, वहाँ की पुलिस ने भी हमारे ऊपर तशद्दुद किया और हमें जो है वहाँ पे थाने में बंद कर दिया। और हमारे भाई जो कि सुबह 12 बजे का वाकया था, शाम के वक्त वहाँ पे पड़ा रहा और आखिरकार वो दम तोड़ के उसके बाद जो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इसके अंदर जो है किस इदारों की नाहली बरती की गई और किस इदारों ने नासाफी की गई, हमारे साथ लोकीन मौजूद है, हमारे साथ फैसल के जो छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, 3 बच्ची हैं और एक बच्चा उसका, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि उन्हीं की जुबानी से ये वाकया कैसे पेश आया और उन्होंने उनके साथ किन इदारों के साथ की तरह से नासाफी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा बताएं फैसल के हवाले से कि किस लिए पिंडी में गए हुए थे और ये क्या वाकया पेश आया। मोहम्मद फैसल बिल्टी लेने के लिए पिंडी गया था, वहाँ से पिंडी रिसीव करके जो है ना वापसी मानसरा की तरफ रवाना था। तो जब ये बत्तर के मकाम पे पहुंचे तो यहाँ कुछ रास्ते में वो लोग भी खड़े हुए थे, पैसे हवा में उड़े थे, ये माजरा देखने के लिए वो रुका है, वो बाहर निकला है तो इतने में जो है ना वहाँ से सीधे फायर हो रहे थे। तो कुछ हर लोग जो है ना अपने बचाव में लगे रहे तो ये भी भागा है, तो इसको आगे जो है ना गोली लग गई है तो ये इसी मकाम पर गिर गया। तो साथ में एक हमारे और भी भाई थे तो उन लोगों ने हमें कॉल करके ये बताया गया कि भाई गोली लग गई है। तो फिर हम भी यहाँ से रवाना हो गए हैं, मैं मोहम्मद सिद्दीक और अब्दुल बासित का छोटा भाई, हम दोनों यहाँ से रवाना हुए हैं। वहाँ हम पहुँचे हैं, जैसे हम जगह पे पहुँचे हैं वहाँ पे मोटरवे से हम नीचे उतरे, बाढ़ से बाहर निकले तो एस एच ओ साहब खड़े थे। हमने उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ पे हमारे भाई को गोली लगी है, उसको किस मकाम पे भेजा गया, कहाँ है वो। जवाब देने के बजाय उनने कहा कि भाई जो बाकी डाकू बच गए थे वो ये लोग हैं, हमें उठा के हमारे साथ आंखें बांध दी, हमारे हाथ बांध दिए, हमारे साथ ऐसा रवैया किया कि बहुत बड़े हम दहशतगर्द पकड़े गए हैं। हम उनसे कहा, ये कह रहे थे कि भाई हमारा भाई है, फिलहाल हमें वो बताओ, बाकी जो कार्रवाई करनी आप बाद में करते रहना, फिलहाल हमें उस तक पहुँचाओ, उसको कोई तबी इमदाद दी जाए, जो कोई उसका हाल हो। हमारी एक ना सुनिए, हम जो बात करते हैं हमें मार मार के हमें। कौन सी पुलिस है? टैक्सला पुलिस। ये टैक्सला पुलिस थी, एसएचओ पूरा हमला उधर था, सारे मिलके मार रहे थे, कोई हमें बात तक नहीं करने दे रहा था। आपको इतला दी गई कि हमारे आपका भाई जहाँ जख्मी हो चुके, आप वहाँ पहुंचे और आपको डाकू समझ के अंदर कर दिया। हमें भी ये डाकू समझ के हमें मोबाइल के अंदर धकेला गया तो हमें वहीं फेंका गया है। 3-4 घंटे हम उसी मोबाइल में पड़े रहे, उसी मकाम पे हम खड़े रहे, उनकी तफ्तीशें वहाँ खत्म नहीं हो रही थी। फिर इतने में टैक्सला वाली पुलिस आई, फिर उनके हमें हैंड ओवर किया गया, फिर उन्हें हमें वहाँ से छोड़ा। जब सारी तफ्तीश इनकी मुकम्मल हुई, जब मुकम्मल होने के बाद हमें ये कहा गया कि आपका भाई बेगुनाह गोली लगने से वो जो है वहाँ पे जहाँ भाग हो गया। हमें उस टाइम पता लगा कि ये हमारा भाई वहाँ जो है ना फोत हो चुका है, हम ये समझ रहे थे कि वो जख्मी है, उसको कोई गोली लगी होगी। उसके बाद जो है हम जो फिर हॉस्पिटल आ गए, हॉस्पिटल में आए तो हमारा भाई अभी तक तो शाम तक तो वैसे का वैसे ही वहाँ पड़ा रहा, ना कोई फर्स्ट एड दी गई है। 12 बजे का वाकया था, 1:15 बजे तक जो है ना ये हॉस्पिटल पहुँचा, ये बीच में 1.25 घंटा ये क्या करते रहे। आने वाले कौन लोग थे? सिविल लोग थे, ये गोलियां मारने वाले। वो आपको पता है जिन लोगों ने गोली मारी है? वहाँ एक जियो फील्ड मिल के वहाँ वारदात हुई है, वही लोग थे, वो मालिक थे, उनके गार्ड थे। उनको किसने इजाजत दी गई आप जो है ना स्ट्रेट फायर मारो, आप जो है ना लोगों के बीच में आगे असला लेके घूम रहे हैं, उनको किसने इतनी अथॉरिटी दी गई है? और दूसरा ये मोटरवे पे घुस के ये स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं। तो हमारी दूसरी ये पुलिस वाले ये घंटा 1.25 घंटा हमारे भाई के साथ ये डाले में डाल के क्या तफ्तीश करते रहे, इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुँचाया गया? जब वो मर गया जाके वहाँ जाके छोड़ के आ गए, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या पुलिस का काम करती है? अभी एफ आई आर हुई आपके भाई की? नहीं हुई। फिर जब पोस्टमार्टम कराया फिर वो FIR कराई है, वो मर्डर की FIR कराई है, जो हमारे पे तशद्दुद किया गया, हमारी पुलिस वो FIR नहीं काट रही थी। FIR किस पे की गई अभी? जियो फील्ड के मालिक के ऊपर की गई है, और दूसरा जितना उधर पुलिस कामला था सारे उस पे हमारी FIR दर्ज की जाए। हमारे किस बिना पे हमारे पे तशद्दुद किया गया है? जब हम उनसे हर चीज़ का कोऑपरेट कर रहे हैं, हर चीज़ हमें उनको बता भी रहे हैं, फिर भी हमारे पे उन लोगों ने तशद्दुद किया,
ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की पुलिस है, ये क्या करती है ये वाकई जो मेन मोटरवे के ऊपर हुआ है? जी जी बिल्कुल, मेन मोटरवे के बातर के मकाम पे हुआ है। मोटरवे पुलिस कहाँ पे थी? वो भी उसी टाइम वहीं खड़ी थी। सबसे पहले मैंने आगे उनसे पूछा यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने हमें नीचे भेजा, वहीं से बोला नीचे उतर जाए। फिर हम नीचे जाके हमने पुलिस पंजाब पुलिस से पूछा, फिर वो आगे फिर उन लोगों ने हमें उठा के गाड़ी में डाल दिया। अभी ये फैसल कितने बच्चे हैं? ये फैसल के 5 बच्चे हैं, ये आपके सामने ये छोटे छोटे बच्चे हैं। फैसल फैसल क्या करता था? वो टैक्सी ड्राइवर था और दिहाड़ी वाला, दिहाड़ी कमाता था, बच्चों को पालता था। और ये दूसरा उसका भाई है, छोटा है। अजी नाजरीन, आपने जाना जैसा कि इन्होंने बताया कि फैसल के साथ क्या कारगुजारी हुई हमारी अदारों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, मोटरवे पुलिस जो सी पे के हवाले से एक आलमी सतह पे एक नाम एक मकाम रखती है, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कैमरे भी लगे हुए हैं और मोटरवे पुलिस वहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी फ्राइज सर अंजाम देती है। ये वाकई होना एक नहली का मुंह बोलता सबूत है। ये उनसे फैसल के भाई से भी बातचीत करते हैं और उनकी जो गोद में जो बेटा है वो फैसल का बेटा है और ये कमसन और छोटा बच्चा है फैसल का। कि आया कि फैसल अगर जरायम पेशा होता, अगर चोरी होती तो मारने का हक तो किसी इदारों को नहीं है कि वो किसी चोर को भी गोली मारे। तफ्तीश होती है, उसकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद फिर उसकी सजा मुर्तब करते हैं, वो भी जज करते हैं। आम बंदा ये सिक्योरिटी या पुलिस की सजा मुर्तकब नहीं करती। हमारे साथ मौजूद है फैसल के भाई, फैसल के भाई से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं जी फैसल के हवाले से कि जो ऐसा वाकई हुआ, आप मौके पे मौजूद थे, वहां गए थे? जी सर, हमें यहाँ पे इतला मिली है, भाई को कॉल आई है, इसके साथ में गया हूँ। हमें ये बताया गया फैसल को टांग पे गोली लगी है, आप लोग आओ। इसके साथ जो दूसरा बंदा था उसने कहा मैं अकेला हूँ, मुझे उसको गोली लगी है, मैंने उसको उठा के गाड़ी में डाला है, जो सफेद रंग की कार टाइप की गाड़ी थी उसके अंदर डाला है। तो मुझे उन लोगों ने कहा है कि आप जाओ अपनी गाड़ी लेके अस्पताल पहुंचो। तो मैं आगे इंटरचेंज काफी दूर था, मैं वहाँ इंटरचेंज से टर्न लेके आया हूँ। फिर उसने हमारे साथ रबते किया, हमने कहा आप वहीं पे रुको, हम लोग पहुंचते हैं। तो हम लोग उसके पास पहुंचे, उसको साथ लेके जब मौके पे पहुंचे तो हमने कहा चलो पुलिस वाले खड़े, इनसे मालूमात कर लेते हैं हमारा भाई कहाँ है। तो हम लोग वहाँ पे मालूमात के लिए गए, उन्होंने हमें कहा ये डाकू आ गए। वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी जो उसकी वजह से हमें बहुत मारा गया है कि ये मोटरसाइकिल आपकी है, लेकिन हम लोगों ने कहा हमारी नहीं है। फिर मैंने उनको कहा इस पे कोई फिंगरप्रिंट होंगे, कुछ तो होगा, कुछ तो इस पे सबूत होंगे, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। हमें हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, हमारे हाथ बांधे गए, हमें माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी गई हैं। हम लोगों ने बहुत उनको कहा है सर हम लोग बेकसूर हैं, हमारा भाई पता नहीं किस हाल में होगा, अगर आप हमें नहीं छोड़ रहे, हमें किसी बड़े को हमारे को इतला दे दें कि हमारे भाई तक वो आके पहुंच सके, कोई उसकी जानी माली जो तावन हम लोग करें उसके, आपकी जो कानूनी कार्रवाई है उसमें हम इंशाल्लाह क्लियर हैं। हम लोग अपने घर से आए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे कि आप लोग यहीं पे हो। तो हम लोगों ने उनको अपने मोबाइल वगैरह सब कुछ दिए, उस पे उन्होंने ट्रेस किया होगा, सारी मालूमात ली होगी। तो उसके बाद हमें 3-4 घंटे वही गाड़ी में रखा गया है, जो भी आता रहा है हमें मारता रहा है। रात को हम लोग घर पे जब पहुंचे यहाँ भी हमारी तबीयत खराब हुई, हम मंसेरा सिविल अस्पताल गए, वहां पे अपना ट्रीटमेंट करवाए, अभी तक हमें फिटनेस नहीं है, क्लियर वो नहीं है। वहाँ पे हम लोगों ने FIR भी उनके खिलाफ दरखास्त दी है कि पुलिस वालों पे कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्होंने हमारी वो बात नहीं मानी। अभी आप क्या चाहते हैं कि FIR किस पे होनी चाहिए? FIR पुलिस वालों पे होनी चाहिए, अगर वो हमें उसी टाइम छोड़ देते शायद हमारा भाई, हम वहाँ पे पहुँचते उसको हमारी जानी माली जो तावन होता मेरा भाई था मैं करता। पता नहीं है लोग उसको कहाँ लेके गए, कितना टाइम, 12:15 का वाक्या है, 1:15 के अस्पताल में डेड बॉडी गई है, सफेद कार में डाला गया है, वहाँ पे जब पहुंचे तो वो पुलिस की मोबाइल में था, पता नहीं उसके साथ क्या किया हमारी गैर मौजूदगी में, हमें इंसाफ दिया जाए बस। फैसल के कितने भाई हैं आप? वो मेरा बड़ा भाई था, मैं छोटा भाई हूँ, बस दो ही भाई हैं हम लोग। जी उसका छोटा बेटा है, कितने साल? 5 महीने का ही है। तो बाकी बेटी है उसकी? ये बड़ी बेटी है इसकी, इरफा, ये 8 साल की है।
जी नाजरी, हमारे साथ यहाँ पे एक गांव के काउंसलर मौजूद है, सियासी समाजी शख्सियत के हमल है मलक साजिद साहब मौजूद है। इस हवाले से जानते हैं मलक साजिद साहब से कि आए के इस वाकई के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ का एक मेंबर हूँ मलक साजिद, और इस बच्चे को जो है मैं यानी बचपन से जानता हूँ ज़ाती तौर पर। ये दिहाड़ी लगाने वाला लड़का था जी, दिहाड़ी लगाने वाला ये लड़का था, और ये किसी गाड़ी के सिलसिले में पिंडी गया है उसको ख़रीदने के लिए। तो वापसी पे बातर के मकाम पे ये वाक़या पेश आया है, तो हमारी जो है इदारों से यही उनसे ये गुजारिश है कि जब ये वाक़या पेश आया है तो 1122 वाले भी नहीं थे, या मोटरवे जो पुलिस है 130 वाले वो भी वहाँ पर नहीं थे। तकरीबन एक घंटे के बाद जब ये वाक़या पेश आया 12:05 पर, अगर इसको टाइम पर पहुँचाया जाता हॉस्पिटल तो ये यकीनन जो है ये बच सकता था। लेकिन उनकी सुस्तरवी की वजह से या इसको डाकू या चोर डिक्लेयर करने की वजह से तो वो उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए। तो जब बाकी लोग गए, इसके भाई और चचाजात जो गए उन पर भी तशद्दुद किया गया है, और उनको भी जो है वो उसकी तरफ जो है वो जाने नहीं दिया गया। हमारी इन इदारों से पुरज़ोर यही अपील है कि इस FIR में दहशतगर्दी के तहत जो दफात लगती हैं वो शामिल की जाएं, क्योंकि ये वाकया जो है मोटरवे पुलिस पे जो है वो मोटरवे के रोड पे जो है वो पेश आया है। और हम यही कहते हैं कि हमने कल इसकी जो जनाजे के बाद शराय रेशम को बंद किया है, और बड़ा पुरअमन और ज़बरदस्त किस्म का हमारे गांव के लोगों ने, पूरे इलाके के जो जितने भी लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया है। हम इन इदारों को फिर एक बार यही कहते हैं, अगर ये शफाफ इंक्वायरी न हुई, दहशतगर्दी की दफात शामिल न की गई, तो हम इन बच्चों की खातिर जो इसके 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, सब तमाम बच्चे जो हैं वो 8 साल से छोटे ही हैं, तो हम आइंदा का जो लायामल तय करेंगे मशावरत से तो वो इससे भी सख्त होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पुरअमन हमारा यही एहतजाज है कि ये इसके बच्चे जो फैसल के बच्चे हैं इनको इंसाफ जो है वो दिया जाए, ये हमारी गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने न्यूज़ के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी खबर गिरी के लिए तशरीफ लाए। सबसे अहम बात यह है कि हमारी हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के नाम से इस मुल्क के ऊपर इक्तदार पे काबिज हुई। हम इस हुक्मरान तबका से सिर्फ यही सवाल करते हैं कि आपका इंसाफ कहाँ है। जब दिन दिहाड़े हमारी तमाम तर फोर्सेस की मौजूदगी में जहाँ 3 किस्म की फोर्सेस बयक वक्त काम करती हों, दिन दिहाड़े वहाँ एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हमारी इंतजामिया कहाँ है। मैं इस अपने न्यूज चैनल के हवाले से अपने वजीर आजम से, अपने MPA MNA से, और अपनी कौमी असम्बली और सेनेट के मेम्बरान से ये पूछना चाहूंगा कि आपका इंसाफ कब जिंदा होगा और गरीब को कब इंसाफ मिलेगा। और अगर आपकी आवाज इसी तरह खामोश रही तो फिर अल्लाह की लाठी भी आवाज है, और मुल्क जुल्म के साथ कभी नहीं चल सकता, कुफर के साथ चल सकता है। इसलिए हमारी पहली और आखिरी बात यह है कि इन मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। मेरे साथ मौजूद है मौलाना साहब जो यहाँ के इमाम हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की कि जुल्म का कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। रियासत मदीना के दावेदार, रियासत के मदीना बनाने वाले और इंसाफ के दावेदार, इंसाफ और तब्दीली के दावेदार दिन दिहाड़े रियासती इदारों के अंदर और 3 रियासती इदारे जो हमारे पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं उनकी मौजूदगी में दिन दिहाड़े को ये एक कत्ल हुआ, इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार रियासती इदारे भी हैं, इसकी जिम्मेदार हुक्मरान भी हैं, इसके जिम्मेदार MPA MNA भी हैं, ये सब इसके कत्ल फैसल कत्ल के जिम्मेदार हैं। इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। आए के फैसल इसका जिम्मेदार है तो उसको सजा मिल गई, अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो इसके जिन लोगों ने कत्ल किया उन लोगों को इसकी सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, ताकि इसके छोटे छोटे 5 बच्चे जो यतीम रह चुके हैं उसकी कफालत कौन करेगा, कौन सा घर चलाएगा। अगर इस तरह इस मुल्क के अंदर, इस सियासी इदारों के अंदर किस तरह ये निज़ाम चलता रहा और एक गरीब को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता जा, तो ये रियासत मदीना नहीं, ये रियासत मदीना के बनाने वाले दावेदार ये कोई और एजेंडे के तहत यहाँ पे काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा अलमी है हमारे रियासती इदारों के लिए, मोटरवे पुलिस के लिए, और
पाकिस्तानी पुलिस के लिए, जो पंजाब पुलिस है उसके लिए भी एक सवालिया निशान है आए कि वो इससे मुर्तकिब करते रहेंगे तो ये जुल्म जो है वो जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता है। फिर उसके लिए जो है ये आवाम जो है सड़कों पर निकलेगी और अपने हक के लिए, हकूक के लिए ये जंग लड़ेगी। मुझे जीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।